morning, everybody. And I'm Dr. Partha, and my oral and maxillary patient surgeon to Partha Dental Hospital in Andhra. Partha Dental Hospital is a multi-specialty dental hospital. जो तकरीबन 100 ब्रांचेस है और जो तेलंगाना आंध्रा और कर्नाटक स्टेट है। पार्टा डेंटल हॉस्पिटल मैपुर नगर में 3 फ्लोर में है, जो 14 हाउसेस में है और फर्स्ट फ्लोर पर ऑपोजिट भगत सिंह स्टैचू में है। आज ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक नॉर्मल ब्रेस्ट टेक्निक कैसी होती है। वैसे तो कई तरह के ब्रेस्ट टेक्निक्स है, लेकिन ये ब्रेस्ट टेक्निक बहुत इफेक्टिव है और इसे अपना ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको एक नॉर्मल ब्रेस्ट टेक्निक है क्या। ये आप चलते हैं तो पहला काम होता है ब्रश करना। तो ब्रश करना बहुत इम्पोर्टेंट सा काम है, देखते हैं जिसका आपका ओरल कैविटी सीधा हो सकता है। ये बच्चों से लेकर पूरे तक भी ये ब्रश टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रश टेक्निक होती है, तो मैं आपको यहाँ पर एक डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये मॉडल जो है, ये आपके दांत है और ये ब्रश है। तो आप जब अपना ऊपर का हिस्सा ब्रश करना कर रहे हैं तो आपने दांत से बंद करिए और आगे के दांत को ऐसा रोटेटरी मोशन में ब्रश करना चाहिए। जो है पीछे के दांत जो है जो ऊपर से नीचे ऐसा ब्रश करना चाहिए, नीचे के दांत जो है नीचे से ऊपर ब्रश करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो भी आपका दांत है, जो भी आपका कैविटीज है, सब क्लीन होता है और लेफ्ट एंड राइट साइड का जो ब्रश है वो तो सेम ही होता है। लेकिन अगर आगे के दांत आपको नीचे भी ब्रश करना चाहे तो आप ब्रश कर सकते हैं, ठीक इफेक्टिव होता है। तो जब अंदर के दांत तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर के दांत का हिस्सा जनरली पॉपुलेशन क्लीन नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि ऊपर के दांत की क्लीन करके समस्या, ठीक है अंदर के दांत को क्लीन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अंदर के दांत क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अंदर का जो दांतों का हिस्सा होता है वो क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आपको तरह तरह की बीमारी शुरू होती है। अंदर के दांत कैसे क्लीन करना है बताना करना चाह रहे हैं, जो अंदर का हिस्सा है तो आपने ब्रश को स्ट्रेट रखिए और इसको नीचे ऐसा नीचे के दांत आप क्लीन करना चाह रहे हैं जो अंदर का हिस्सा है तो ब्रश को स्ट्रेट रखिए और ऊपर ऐसा करिए। अंदर के दांतों का पीछे का हिस्सा जो है वो आपको ऊपर ब्रश करना ऐसे और ऐसे ऊपर के दांतों को नीचे ब्रश करना। तो ये टेक्निक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप हमेशा यूज कर सकते हैं, डेली सुबह यूज कर सकते हैं और रात में खाकर सोने से पहले भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको ये प्रश्न समझा रही हूँ।